स्टीयरिंग मेरी जान है। अच्छा, ये स्टीयरिंग को मैं कभी नहीं बदलूंगा, इससे मैंने 10 साल गाड़ी चलाई है। क्या एक बार पंप इसका खुला हुआ था जब कचरा आ गया था, पंप का काम ही हुआ है, बाकी इंजन इसका साथ का है। अच्छा, इंजन में अभी तक हाथ नहीं लगाया, कभी चाबी तक नहीं लगाई इंजन। तो पंजाब का सर कितना टैक्स पड़ जाता जी? पंजाब का सर हमें अपने काफी देखी होगी, तो ऐसी गाड़ी आज आपको दिखाने जा रहे हैं भाई की, जबरदस्त क्या गाड़ी बनाई हुई है भाई ने, 2008 मॉडल गाड़ी है, तो काफी जबरदस्त गाड़ी बनाई हुई है। ये लो जी उस्ताद जी बैठे गाड़ी में, सारी चीज़ें होगी खास। तो दोस्तों अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, गुरदित सिंह आपको दिखाएगा इस सारी वीडियो। तो उस्ताद जी गाड़ी देख सकते हैं भाई कितना लग गया पैसा इसके ऊपर, क्या क्या भाई खासियत है। तो दिखाएंगे भाई की गाड़ी, पूछेंगे उस्ताद जी का हाल चाल। उस्ताद जी क्या हाल चाल है जी, पानी चल रहा गर्मी के अंदर? बस बढ़िया ही सर, आप सुनाओ। गर्मी बहुत है जी, गर्मी बहुत है, गाड़ी भी आपने गर्मा गर्म बना दी। कैसी बनाई सर गाड़ी, कितना आ गया खर्च इसके ऊपर? सर ये गाड़ी सरेंद्र में बनी जी, बॉडी मेकर जग्गा बॉडी मेकर सरेंद्र जी। अच्छा जी, वहाँ पे बनवाई है जी। कितना सर उस्ताद जी खर्चा आ गया? 2 लाख के करीब रुपए लग चुके हैं सर गाड़ी पे। 8 मॉडल गाड़ी है। अच्छा जी, हाँ जी, अगर आप बाहर से देखोगे तो गाड़ी ऐसा लगता है कि 2021 मॉडल है। वाह जी वाह, 2021 क्या 22 ही लग रही भाई, 23 ही लग रही मेरे को तो। ये तो स्टीयरिंग उस्ताद जी ये भी बदला दो, स्टीयरिंग दूसरा लगवा दो। ये स्टीयरिंग मेरी जान है। अच्छा, ये स्टीयरिंग को मैं कभी नहीं बदलूंगा, इससे मैंने 10 साल गाड़ी चलाई है। अच्छा, दिल नहीं करता अभी इसको स्टीयरिंग को चेंज करूं। ये स्टीयरिंग तो मेरी बस आप समझ लो एक बंदे के दिल की रूह होती है ना वो है। अच्छा, हाँ जी, ये स्टीयरिंग स्टीयरिंग जी जी। तो सर कहाँ कहाँ चलते आप गाड़ी लेकर? सर हम यहाँ से लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, ज्यादा अम्बाला, चंडीगढ़ या इधर शंभू वगैरह इधर को जाते हैं जी गाड़ी। अच्छा, 150 किलोमीटर के अंदर ही चलाते हैं हम गाड़ी को। अच्छा जी, हाँ जी, नालागढ़ ट्रकिंग की गाड़ी है हमारी। हाँ जी, वो 150 किलोमीटर के अंदर चलाते हैं। तो सर यानी के गाड़ी चलाते हैं 150 किलोमीटर आप? परमिट तो आपका खत्म हो गया ऑल इंडिया जी? ये लोकल परमिट भी चलती है गाड़ियां जी, इंटरनेशनल वालों ने खत्म हो गया, इसका पंजाब हरियाणा का टैक्स भर के हम इस गाड़ी को चलाते हैं जी। अच्छा जी, टैक्स कितना पड़ जाता है? 12 साल तक इसका परमिट रहता है जो सरकार की तरफ से इशू किया हुआ है। अच्छा, जो ऑल इंडिया परमिट, इसका परमिट अब जो लोकल परमिट हम लोकल टैक्स भर के जैसे पंजाब स्टेट में चलानी है, हरियाणा स्टेट में चलानी है। पंजाब का सर कितना टैक्स पड़ जाता है जी? पंजाब का सर हमें पड़ जाता है 3 महीने का 2800 रुपए पड़ जाता है, 9 टन का। 11 टन का पड़ता है वही 4200 रुपए पड़ता है। अच्छा जी, आप 3 महीने कटाते हैं एक साल कटाते हैं? सर हम देखते हुए काउंटर साइन करवा लेते हैं, पटियाला से होती है वो, हमारा बंदा एक है काउंटर साइन करवा देता है, 1 महीने में 1 साल में 19,000 रुपए लगता है, काउंटर साइन हो जाती है गाड़ी। अच्छा जी, उसमें कम पड़ता है टैक्स? उसमें कम नहीं पड़ता, उसमें बराबर है, SIV जो लोग करवाना तो है ही है, एक बार इकट्ठा करवा लेते हैं। अच्छा जी, काउंटर साइन का ये चक्कर होता है जी, काउंटर साइन ऐसे नहीं कि स्टेट टू स्टेट मान लो बॉर्डर पे टैक्स भर लो? नहीं, बॉर्डर पे ही भर जाता है, अगर आपने बॉर्डर पे भी भर जाता है जैसे पंजाब का बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, अभी तो ऑनलाइन है, जहाँ मर्जी भरवा लो, पहले होता था अभी चलो बॉर्डर पे ही भरता था, अब तो ऑनलाइन है, जिस मर्जी सुविधा केंद्र या इससे जो लोक केंद्र बने हुए वहाँ से भर जाता है। अच्छा जी जी, तो सर क्या बच जाता महीने में जी? सर हमें वही 60-65,000 रुपीस पर मंथ बचते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, तो यानी कि आपकी क्या गाड़ी एवरेज क्या कर रही है? ट्रकिंग की गाड़ी एवरेज की शायद पड़ जाती है वही 5.5 के करीब देती है एवरेज। अच्छा जी, जी, जी। तो लोकल में इंजन वगैरह सर साथ का गाड़ी का? साथ का इंजन साथ का है जी। अच्छा जी, साथ का, एक बार पंप इसका खुला हुआ था जब कचरा आ गया था, पंप का काम ही हुआ है, बाकी इंजन इसका साथ का है। अच्छा, इंजन में अभी तक हाथ नहीं लगाया, कभी चाबी तक नहीं लगाई इंजन में। अच्छा जी, आज इसको 14-15 साल लगा हुआ है गाड़ी को। हाँ जी, टाटा की गाड़ी है 16-13 LP। हाँ जी जी, 8 में ली थी हमने 2011 दिसंबर नवंबर में ली थी। कई भाई बोलते 10 साल पुरानी गाड़ी है जो भाई बैन कर दी, देखो भाई गाड़ी कितनी बढ़िया पुरानी गाड़ी है, नाले भाई की एकदम से जबरदस्त गाड़ी बनाई हुई है उस्ताद जी ने। तो उस्ताद जी चलते हैं हिमाचल टू हरियाणा। हरियाणा का सर क्या टैक्स पड़ जाता है? हरियाणा का सर थोड़ा कम है पंजाब से। अच्छा, हरियाणा का थोड़ा कम है, हरियाणा का जैसे पड़ जाता है वही हमारा 2600-2700 ऐसे पड़ जाते हैं। अच्छा, हरियाणा का कम टैक्स है, यानी कि आप हरियाणा जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, और भी कहीं राजस्थान भी जा सकते हैं? राजस्थान ही सर हम जाते हैं, आगे नहीं जाते क्योंकि अब
हम लोकली गाड़ी को चलाते हैं ज्यादा ज्यादा दूर पैसे नहीं बचते गाड़ी ज्यादा जितना सफर गाड़ी निकालेंगे उतना पैसा कम बचता है। हाँ जी, तो ये थे भाई ट्रक के मालिक। सर क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मगन सिंह है जी। मगन सिंह जी भाई चलते हैं गाड़ी को लेकर। गाड़ी देख सकते हैं आप, काफी खूबसूरत भाई की गाड़ी बनाई हुई है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो भाई पसंद आएगा, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना कि कैसी लगी आपको गाड़ी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।